हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसीए एजुकेशन हब। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। आप सबको पता है हम न्यूट्रिशन में फूड खाते हैं, ओके, रेगुलरली उस फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है that should be removed outside, okay, out of the body, and it is essential, क्योंकि अगर हम उस वेस्ट मटीरियल को बॉडी से बाहर रिलीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में अकूमुलेट होगा, जिससे वो ना केवल हमारे मेन ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन को बल्कि हमारे बाकी जो ऑर्गन सिस्टम है उनकी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो देखिए, एक्सक्रीशन एक बहुत एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, ओके, तो एक्सक्रीशन करना एसेंशियल। सो एक्सक्रीशन इट मींस रिमूवल ऑफ द वेस्ट और हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब इसके लिए देखिए, अगर हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, वो यूनिसेल्युलर होते हैं, तो जहां से वो इनहेल करते हैं वहीं से वो एक्सहेल भी करते हैं, या आप कह सकते हैं जहां से वो इंजेशन करते हैं वहां से वो इजेशन भी करते हैं, जस्ट लाइक इन अमीबा। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें पता है कि हम सब बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं, मल्टी सेल्युलर है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन और ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में है, हार्मफुल वेस्ट, उसको रिमूव करना। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो देखिए बेटा, एक्सक्रेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट होता है चार पार्ट से, ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरिन, सॉरी, वन यूरिनरी ब्लैडर, ए पेयर ऑफ यूरेटर एंड ए यूरेथ्रा। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आपको दिखाई दे रहा है बीन शेप्ड। कैसी शेप है इनकी? बीन शेप्ड। आपने राजमा देखा होगा, तो राजमा शेप की होती है ये किडनी, ओके, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, ओके। तो ये दो किडनी होती है, या आप ए पेयर ऑफ किडनीज भी कह सकते हैं। ये बीन शेप्ड किडनी होती है, और इनके अंदर अगर हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो इनके अंदर बहुत सारी फिल्टरिंग यूनिट होती है, जिसका नेम क्या होता है? नेफ्रॉन, ओके। किडनी के अंदर बहुत सारी फिल्टरिंग या फंक्शनल यूनिट आप कह सकते हैं प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हर एक किडनी में, और इनका फंक्शन क्या होता है? फिल्टर करना, ओके, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। जब फिल्ट्रेशन होती है, तो जो भी वेस्ट रिलीज होता है, वो वेस्ट सबसे पहले किडनी में, और उसके बाद वो कहाँ आता है? यूरेटर में। इज दैट क्लियर? किडनी से ये जो ट्यूब अटैच है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर नोन एज ए पेयर ऑफ यूरेटर, ओके। तो किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, फिल्ट्रेशन के बाद जो भी हार्मफुल वेस्ट है लिक्विड फूड में, वो सारा वेस्ट कहाँ आता है? यूरेटर में आता है। इज दैट क्लियर? तो वो वेस्ट कहाँ कलेक्ट हुआ? यूरेटर में, और यूरेटर के थ्रू वो कहाँ आ गया? यूरिनरी ब्लैडर में। अब देखिए, यूरिनरी जो ब्लैडर है, वहां पे टेम्परेरी पीरियड के लिए, यानी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो वेस्ट यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब जब भी अर्ज होता है, इट मीन्स व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, सो इट अर्ज टू यूरिनेट, ओके। और जो भी पर्सन होते हैं, वो यूरेथ्रा के थ्रू जो भी यूरिन है उसको यूरिनेट कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, अंडरस्टैंड, मेनली फोर पार्ट से मिलके बना हुआ है। अब इसमें जो फिल्टरिंग यूनिट होती है, वो होती है नेफ्रॉन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके स्टूडेंट्स। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो बेटा, सब्सक्राइब ऑल्सो, ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे।